आप जितनी मेहनत करेंगे और जितना आपके अंदर टैलेंट है वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई होगा ऐसा जौहरी जो आपको पहचानेगा। बस उसी की तलाश रहती है आदमी को कि कोई ऐसा मिले जो मुझे पहचान ले। मैं हमेशा सोचता था कि यार मुझे अपने ऊपर ऐसा नहीं था कि विश्वास नहीं था, मुझे लगा यार वो बंदा एक बार मिलना चाहिए जो एक बार मुझे समझ ले, मुझे समझ ले। सेल्समैन की ट्रेनिंग दे रही थी या मुजरा करवा रही थी? पापा मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने नाचने के लिए नहीं बोला, सच्ची। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। ये आपको लगता है कॉमेडी में या किसी भी तरह में बहुत जरूरी है कि ओरिजिनलिटी के करीब रहे? जी जी जी, क्योंकि क्या है, जब भी कोई दर्शक देखता है टेलीविजन या कोई भी शो देखता है तो उसको तब मजा आता है जब उसको लगता है ये मेरे आसपास ही कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। रिलेट करता है, रिलेट जब तक आप नहीं करेंगे चीजें तब तक आप उसमें मजा नहीं ले पाएंगे। राइट, राइट। आपको लगेगा कि अरे हाँ हाँ हाँ, हमारे वो फूफा जी है ना मुरादाबाद वाले, वो भी ऐसे ही है ना। राइट। इस तरीके के रिलेशन बहुत जरूरी है, रिलेट करना बहुत जरूरी है। या बोलेगा अरे आपने जो पड़ोस में जो बंसल साहब है बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही करते हैं। और फिर उनकी छोटी छोटी चीजों पर इसलिए हंसी आती है कि आपने भी वो कहीं ना कहीं देखी होती है, आपने लाइव देखी होती है, लेकिन वही चीज जब आप सामने देखते हो आपको मजा आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना एक्चुअल आप दिखाएं, जितना ओरिजिनल दिखाएं, उसमें ज्यादा मजा है, उसमें कॉमेडी भी ज्यादा है। क्योंकि वैसे भी हमारी आम लाइफ में अगर देखो, हम थोड़ा गौर नहीं करते हैं, एक आम जिंदगी में भी कॉमेडी अक्सर होती रहती है, कुछ किरदार होते हैं इस तरह के। आप देखिए, एक चीज हो गई, मान लीजिए आज आपके साथ ट्रेन में कुछ ऐसा हुआ, उस टाइम वो हो गया, आप चले आए, लेकिन जब वो चीज आप सुनाते हो किसी को, हंसी आती है, तब हंसी ज्यादा आती है, तो वो एक कहानी का रूप ले लेती है ना। राइट, राइट। तभी तो घटित हो रहा है। तो आप दर्शक नहीं है ना, आप श्रोता है, लेकिन फिर जब आप घर आते हैं या दोस्तों में होते हैं तब आप कहते हैं अरे यार एक बार की बात है यार, मैं ट्रेन से, तब उस पर लोग गुदगुदाते हैं। तब आप क्या होते हैं, तब आप एक कहानीकार होते हैं और वो श्रोता होते हैं। राइट, राइट, राइट। तो वो चीज कमाल की हो जाती है। अनु भाई, आप इतने सालों से कॉमेडी कर रहे हैं, जी हर बार कॉमेडी देख के ऐसा लगता है कि ठीक है शायद अब इसके आगे का कोई किरदार नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी कुछ ढूंढ लाते हैं, चाहे जो भी सीरियल आपने किए हों अभी तक, ये बार बार जो नया क्रिएशन करते हैं आप, इसके पीछे क्या राज है? ऑब्जर्वेशन एक हो ही जाता है एक्टर के अंदर, और हम लोगों की बातें, हम लोगों के ग्रुप अक्सर उन्हीं मुद्दों पर बातें चलती रहती हैं। तो कोई घटना होती है, वो आप सुना दी, आपने आज सुनाया, लेकिन वो दिमाग में कहीं रह गई, फिर आपको वो किरदार मिला, आपको वो चीज रिलेट हुई और आपने कहा यार वही लगा दे। और क्योंकि आप लाएंगे कहां, देखिए आम लाइफ में ही सारे किरदार हैं और वहीं से उठाते हैं आप, वही पेश कर देते हैं, वही लोगों को पसंद आते हैं। देख, और दुनिया तो कोई नहीं है ना कि जहाँ लाएं आप ऐसी जगह से, यही दुनिया से यही चीजें उठा के यही पेश कर दें। आपने बहुत अच्छी सी बात की, गहरी बात है, आप बहुत आसान शब्दों में कही। नॉर्मली जो नए एक्टर आते हैं वो ज्यादातर क्या होता है, हॉलीवुड से प्रेरित होते हैं। नहीं, उनके, और जबकि अगर आपने जो कहा कि आसपास के किरदारों को समझ लो तो वो पसंद बन जाते हैं लोगों को। हाँ वही है, क्योंकि देखिए हम जहाँ रह रहे हैं, जिस जगह पे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ की चीजें ज्यादा पसंद आएंगी। है ना, आप कोई भी खाने के मामले में बात कर रहा हूँ, आप जैसे अचानक जर्मनी का कोई खाना खाएं तो पहली बार आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या है ये, लेकिन आप फैशन में खाते रहेंगे, अंदर से आपको मजा नहीं आया। राइट, राइट। लेकिन आप क्या स्टैंडर्ड, यार मैं जर्मन से ये, लेकिन आप हिंदुस्तान के किसी हलवाई के यहाँ एक कचौड़ी खाते हैं और जो उसका मजा लेते हैं आपकी, यार क्या बात है, तो वो आप अपनी ही चीजों से दूर हो रहे हैं। और ऑडियंस को अपनी चीज चाहिए, ऑडियंस को चाहिए ही चाहिए। आप जब भी देखो, आप कोई भी चीज़ ऐसी पेश करके देखो जो उनसे रिलेट करेगी, वो पसंद की जाएगी, 100% पसंद हो जाएगी। ये हमेशा की बात है। एक एक्टर के तौर पे आप कितना मानते हैं कि जैसे आपकी एक राइटर से इतनी अच्छी दोस्ती रही, डायरेक्टर से इतनी अच्छी दोस्ती, नए जो एक्टर आते हैं वो ज़्यादातर इस बात की गहराई को नहीं समझते कि डायरेक्टर राइटर से दोस्ती आपको बहुत एडॉन करवा देती है, आप कितना मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूँ कि अगर आपकी आपकी राइटर से दोस्ती है तो आपके उसके थॉट जो हैं, जिस बारे में वो सोच रहा है, और डायरेक्टर जो उसको जो बनाता है, उसकी उसकी चीज़ों को लिखे हुए को जो सजाता है, तो ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं, ऐसे लोगों से आप बातचीत करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी अपनी बात रखते हैं, वो लोग भी सुन रहे, तो एक कॉन्क्रीट चीज़ बनती है और आप समझ पाते हैं कि डायरेक्टर का क्या सोच होती है, राइटर किस लेवल पर सोचता है, किस लेवल पर समझता है। तो जहीन लोगों का साथ तो हमेशा कहा गया है कि अच्छा ही होता है। मैं इस मामले में कहूंगा कि मैं बहुत लकी रहा, मुझे लोग अच्छे मिले। ये भी बहुत जरूरी। जी नॉर्मली ये होता है अनुभाई कि ड्रामेटिक जो होता है वो बात अलग होती है, उसमें इतनी इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन कॉमेडी विदाउट इम्प्रोवाइजेशन होती नहीं है। करेक्ट। तो आप कितना इम्प्रोवाइज पे मानते हैं कि इम्पोर्टेंस है?
देखिए इम्पोर्टेंस मैं इम्प्रोवाइजेशन को उसमें मानता हूँ कि जहाँ पे चाहिए इम्प्रोवाइजेशन। क्या होता है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन ही अपने आप में कमाल चीज़ है, बाकी लिखा हुआ तो कुछ नहीं। ये भी क्या होता है कि एक्टर को ये बहुत भ्रम होता है कि यार मैंने उस सीन में क्या इम्प्रोवाइज किया, लेकिन आपने इम्प्रोवाइज की क्या बेस क्या था जो राइटर ने लिखा, आप उस बेस पे इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। कभी कभी लोग इसको इम्प्रोवाइजेशन को तो बहुत महान समझ लेते हैं, बाकी जो हुआ वो कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है, हर बार इम्प्रोवाइजेशन अच्छा नहीं होता, कई बार किल भी कर देता है, करता ही है। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि इस जगह पर ये इम्प्रोवाइजेशन, और वो आएगा, वो अंदर से आएगा। अगर वो अंदर से आया और वो एक्सेप्ट कर लिया गया तो ओके है, लेकिन आप कहे नहीं यार मैं यहाँ ये ही बोलूंगा, यार ये गलत है। आप जिद्दी मत बनिए, आप वो बनिए कि जो लोगों को अच्छा लगे और आपको खुद को भी लगे कि हाँ यार ये चीज अच्छी है, फालतू का एफर्ट नहीं लगा। हाँ, कुछ एक्टर मतलब पता नहीं कौन कौन, वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं लोगों के साथ काम किया कि इम्प्रोवाइजेशन को बहुत महान समझते हैं। इम्प्रोवाइजेशन वहीं करना चाहिए जहां आपके अंदर से लगे और उस जगह को भर दे, और उसके भरने से उस पर चार चांद हो जाए, अच्छा और बुरा दोनों इम्प्रोवाइजेशन हो, वो समझ एक्टर के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि राइटर ने इतना काम किया होता है यार अपनी स्क्रिप्ट पे, उसने कंसीव किया इतनी, पहले आप उसको समझ लो यार, पहले उसको तो समझो फिर अपना इम्प्रोवाइजेशन करना। डायरेक्टर ने उस पे इतना सब कुछ करके सजाया है, देखा है, आपको प्लेसिंग दी है, आपसे बुलवा रहा है, आपसे करवा रहा है, आप वो तो कर लो। सबसे पहले क्या, ये तो साइड करो, इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, ये मैं नहीं मानता इस चीज। नहीं, नहीं, सही बात है। इम्प्रोवाइजेशन करना एक्टर के लिए बहुत ही कमाल की चीज है। मैं ये कहूंगा कि वो इम्प्रोवाइजेशन करने की क्षमता आदमी के अंदर रहनी चाहिए, लेकिन ये समझ होनी चाहिए कि ये सही है या गलत, और कहां करना है। हाँ, वही कहां करना है।